यह चैनल किसी भी अवैध सामग्री को बढ़ावा नहीं देता है। इस चैनल द्वारा प्रदान की गई सभी सामग्री का मतलब है शैक्षणिक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं ऑफिशियल रूम। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से सैमसंग गैलेक्सी J4 प्लस में FRP लॉक को बहुत ही इजी तरीके से विदाउट PC रिमूव कर सकते हैं। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने पहले से इसमें वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है और मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जो मेरे फ़ोन में है वो FRP लॉक लगा हुआ है, गूगल अकाउंट लगा हुआ है, जिसको मैं आसानी से और बहुत ही इजी स्टेप में रिमूव कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई योर अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको बैक कर लेने हैं। सबसे टॉप लास्ट में चले जाइए, आपको क्या करना है, यहाँ पे टॉक बैक को ओपन करना है। आपको दो उंगलियों को प्रेस करके रखना है जब तक कोई ऑडियो ना आए, और कम से कम प्रेस करके रखना ही रखना है, कम से कम 10 सेकंड तक आपको प्रेस करके रखना है। जैसे आप प्रेस करके रखेंगे तो आपका टॉकबैक ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको एल का साइन बनाना है, उसके बाद टॉकबैक सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है डबल बार। उसके बाद आपको दो उंगलियों से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको फीडबैक एंड हेल्प एंड फीडबैक में जाना है, और सबसे पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है अबाउट्स वाला। उसके बाद आपको वीडियो पर क्लिक करनी है। वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर शेयर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यूट्यूब ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप इस वीडियो को डबल इंग्लिश से नीचे कर लीजिए और उसके बाद उसको बंद कर लीजिए। जैसे आप इसको बंद कर लेंगे, बंद करने के बाद आपको सबसे टॉप पर दिखेगा, आपको एक आइकन बना हुआ आएगा सबसे टॉप पर सर्चिंग के बगल में, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद अबाउट्स में जाइए। अबाउट्स में जाने के बाद आपको यूट्यूब टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका ये जो हमारा क्रोम है वो खुल जाएगा। क्रोम खुलने के बाद आपको फिर से एल का साइन बनाना है टॉकबैक को ऑफ करने के लिए। फिर टॉकबैक सेटिंग के अंदर जाना है। उसके बाद टॉकबैक सेटिंग अंदर जाने के बाद आपको देखिए ऊपर लिखा हुआ है टॉकबैक ट्यूटोरियल्स, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको टॉकबैक को ऑफ कर लेना है। जैसे आप टॉकबैक ऑफ करेंगे ऑफ हो जाएगा, उसके बाद बैक कर लीजिए। बैक करने के बाद आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपना URL डालना है, जो कि https/, या आपको ये पूरा URL आपको पुट आउट करना है atix.com/J4+, या आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो चलिए टाइप कर लेते हैं। सो गाइज, ये हमने टाइप कर लिया यहाँ पे लिंक। अब इसके बाद आप इसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ ही टाइम्स में आपकी जो लिंक है ये ओपन हो जाएगी, केवल एक टाइम पे आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये आ चुका है। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे एक छोटा सा फिलिंग करनी है, मोर ये लिखना पड़ेगा आपको, इंटरनेट्स ये लिखना पड़ेगा आपको, ये पूरा लिख लीजिए। सो गाइस, जैसे आप क्लिक हियर टू कंटिन्यू करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइमर चल रहा है। आपको बैक कर लेना है, तुरंत ही आपको बैक करना है। जैसे आप बैक करेंगे नहीं तो YouTube खुल जाएगा, आपको बैक तुरंत कर देना है। जैसे मैं यहाँ बैक करता हूँ, आप देख सकते हैं एक नया पेज खुल गया था, इसको कट कर लेते हैं, इस पेज को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, इसमें टाइमर चल रहा है 8 सेकंड का। जैसे आपका 8 सेकंड का टाइमर खत्म हो जाएगा, नीचे क्लिक हियर का ऑप्शन आ जाएगा, तो हम वेट करते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं गेट लिंक का ऑप्शन आ चुका है, गेट लिंक पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारी जो वेबसाइट है वो खुल जाएगी, ऑफिशियल रूम। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली दो तीन तरीके की फाइल डाउनलोड करनी है। वो तीनों फाइल आपको यहाँ से डाउनलोड करनी होगी। पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो हमारा जो पहले आपको इंस्टॉल करना है, वो इंस्टॉल करना है आपको एपेक्स लॉन्चर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, क्योंकि इसके बिना आपका कोई काम नहीं होगा। जैसे आप इसे एपेक्स लॉन्चर को इंस्टॉल कर लेते हैं अपने फ़ोन में, आपको ये कीवर्ड्स फिर से फिलिंग करनी होंगी। उसके बाद आपको जो एपेक्स लॉन्चर है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ठीक है गाइज, आप देख सकते हैं हमारी फाइल डाउनलोड हो रही है। ये हमारा एपेक्स लॉन्चर है, जो कि लेटेस्ट वर्जन का डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। वो आपको लिंक वहीं मिल जाएगी, तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये कम से कम 15 MB की फाइल होगी, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं दोस्तों। सो गाइज़, आप देख सकते हैं जो हमारी फाइल है वो डाउनलोड होने वाली है, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सो गाइज़, इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए क्रोम से सेटिंग्स में जाना है। उसके बाद आपको इसमें अप्लाई कर देना है, अलाउ कर देना है। उसके बाद आपको बैक कर लीजिए। बैक करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको आगे की प्रोसेस ये करना है, जैसे इंस्टॉल हो जाएगा आपको इसको ओपन कर देना है। डायरेक्टली आपको डन नहीं करना है, ओपन करना है। तो वेट करते हैं। सो गाइज़, ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये लॉन्चर था वो ओपन हो चुका है। अब कुछ सेटिंग्स मांगेगा यहाँ पे, आपको इसको कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट नेक्स्ट और डन।
इसको आपको कंप्लीट कर लेना है, प्लीज़ वेट का ऑप्शन आ रहा है, आपको थोड़ा सा वेट करना है, जो आपका जो थीम है वो चल जाएगी और आपका पूरे के पूरे आइकन्स जो भी हमारे फीचर्स हैं सारे के सारे आ जाएंगे। बट अभी भी हमारा जो FRP लॉक है वो रिमूव नहीं हुआ है, इसलिए आपको क्या करना है, क्रोम को ओपन करना है और उसके बाद आपको ये दो जो ये खोले हैं इसको बंद करके आपको सीधे वेबसाइट पर आ जाना है, जो वेबसाइट की लिंक मैंने आपको पहले दी थी। ठीक है गाइस, इसके बाद आपको क्या करना है, गूगल अकाउंट मैनेजर को डाउनलोड करना है। इसको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ याद रखिएगा कि ओरियो में गूगल अकाउंट मैनेजर 6.0 इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। अगर आप ये इंस्टॉल नहीं करते हैं तो आप इसमें से FRP को आसानी से रिमूव नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और इस वीडियो में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ इतना काम कीजिएगा मेरे लिए कि आप 50 लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो पे, फिर मैं आने वाली वीडियोस एक और नई वीडियो लेकर आऊँगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, वो बहुत ही लेटेस्ट फ़ोन की वीडियो है। तो आप इस वीडियो में 50 लाइक पूरी कर दीजिए, फिर मैं वो वीडियो आपके पास लेकर आऊँगा। सो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोडिंग का लोगो आ गया है, हम इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये एक मिनट दोस्तों, थोड़ा प्रॉब्लम आ गई, फिर से डाउनलोडिंग करते हैं। सो गाइज, आप देख सकते हैं हमारी फाइल डाउनलोडिंग के लिए आ चुकी है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद बैक कर लीजिए, फिर से आपको वेबसाइट पर ही जाना है सीधे डायरेक्टली। जैसे ही आप वेबसाइट पर चले जाएंगे, ऑफिशियल रूम की वेबसाइट पे चले जाएंगे जो कि पोस्ट हमने ओपन कर रखा है सैमसंग गैलेक्सी J4 Plus का, उसके बाद आपको FRP बाईपासिंग टूल को डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि आपको उसी लिंक के अंदर मिल जाएगी। तो आपको इसमें भी वेट करना पड़ेगा कुछ सेकंड्स के लिए, आपको वेट करके यह फाइल आप डाउनलोड कर लीजिए। कुल मिला के 1.1 MB की फाइल है, आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको डाउनलोड करना ही पड़ेगा। तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो गाइज़, आप देख सकते हैं हमारी डाउनलोडिंग के लिए आ चुकी है, अब इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। सो गाइज़, आप देख सकते हैं हमारी दोनों की दोनों फाइल्स जो हैं वो डाउनलोड हो चुकी हैं। अगर आप यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो ये फाइल हमारी कैन नॉट बी ओपन बोलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको फिर से लॉन्चर में जाना है, तो आपको इसको कट कर लेना है, इस पेज को हटा देना है। तो दोनों ही पेज को हम रिमूव कर देते हैं। उसका जैसे आप बैक करेंगे हमारा लॉन्चर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको माई फाइल्स में जाना है। उसके बाद आपको इसमें जाना है इंटरनल स्टोरेज में, क्योंकि अगर हम सीधे APK को ओपन करेंगे तो वहाँ से ये फाइल को नहीं लेगा। तो आपको क्या करना है, इसमें जाना है हमें इंटरनल स्टोरेज के अंदर। इंटरनल स्टोरेज के अंदर जाने के बाद आपको जाना है डाउनलोड्स के अंदर। उसके अंदर आप देख सकते हैं दो फाइल्स हैं जिसको आपको गूगल अकाउंट मैनेजर को इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक्सेस मांगेगा, तो आपको एक्सेस दे देना है, अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद बैक कर लीजिए, बैक करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पर। सो डन कर दीजिए। डन करने के बाद आपको FRP बाईपासिंग टूल को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो इंस्टॉल कर लीजिए। सो गाइस, जैसे ये ओपन करेंगे आप, तो आपको यहाँ देख सकेंगे कि यहाँ पर हमारा साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इसे साइन इन कर लेते हैं ब्राउज़र को। तो यहाँ पे ओके कर लीजिए। ओके, देन आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना होगा, चाहे आप कोई से भी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालिए यहाँ पर। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया इसमें। अब क्या करना है, आपको इसको साइन इन कर लेना है। देख सकते हैं आप, यहाँ साइन इन हो रहा है। सो गाइज, हमारा जो फ़ोन है वो उसमें जो हमारा गूगल अकाउंट है वो साइन इन हो चुका है। बट अगर हमको दोबारा से प्रोसेस करना है तो आपको अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना होगा। तो चलिए अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो एंड्रॉयड का फ़ोन है, ये फ़ोन स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग एंड्रॉयड लिखा हुआ आ रहा है। अब क्या करना है, जैसे ही हमारा जो फ़ोन स्टार्ट हो जाएगा तो आपको फिर से पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशंस को करना पड़ेगा। तो अब क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए स्टार्ट का ऑप्शन है, स्टार्ट कर लीजिए। जैसे ही आप इसे आगे बढ़ाएंगे तो वही कहेगा कि आपका जो FRP लॉक लगा हुआ है। बट जैसे ही ये वाईफाई से कनेक्ट होगा, जैसे हमारा वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा अपना फ़ोन, उसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको आपको आई हैव एग्री कर दीजिए ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस को। उसका चेक फॉर अपडेटिंग करेगा यहाँ पर। जैसे ही आपकी मेल आईडी को चेक करेगा कि हाँ जो आपने मेल आईडी ऐड की है वो कौन सी है, तो वो चेक करके आपको मेल आईडी यहाँ पे शो कर देगा जो हमने FRP बाईपास के थ्रू किया था। तो आप देखते हैं जस्ट अ सेकंड का ऑप्शन आ रहा है, और जैसे ही जस्ट अ सेकंड का ऑप्शन खत्म होगा, आप यहाँ देख सकते हैं हमारा अकाउंट ऐड हो चुका है। उसके बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन करना है। जैसे आप इसे नेक्स्ट करेंगे, गेटिंग इन्फो करेगा। उसका जो भी हमारी प्रोसेसर होती है वो सारी की सारी प्रोसेस हम कंप्लीट कर लेंगे, तो जो हमारा फ़ोन है वो प्रॉपरली हमारा ऑन हो जाएगा। सो गाइस, यहां बैकअप मांग रहा है, इसको भी नेक्स्ट कर देते हैं। हम सारी की सारी प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं।
ऑल डन। तो दोस्तों जो हमारा फ़ोन है वो पूरी तरीके से जो भी कॉन्फ़िगरेशन थी हमने कंप्लीट कर ली हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है दोस्तों यहाँ पर। सो गाइस यहाँ पे सर्चिंग कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद आपको स्किप कर दीजिए। स्किप करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐप इंस्टॉल करने को कहेगा ये। आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे टिक है पॉपुलर ऐप्स उनको आपको डिसक्लिक कर देना है। तो चलिए कर लेते हैं। कर लीजिए और डन। सो गाइज आप देख सकते हैं जो हमारा फ़ोन है वो प्रॉपरली ऑन हो चुका है। आप देख सकते हैं ऊपर से जो हमारी फंक्शनैलिटी होती है, फंक्शन जो होते हैं वो सारे के सारे ओपन हो रहे हैं ऊपर से। और जो भी चीज़ें होती हैं इसमें सेटिंग्स में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका मॉडल नंबर क्या है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सारे के सारे जो फंक्शन है वो सब अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हैं आप सैमसंग का पे मिनी UPI भी वर्क कर रहा है। अलाउ कर दीजिए उसमें भी। सो गाइज़ यहाँ पर आप चाहें तो अपना UPI डाल के यूज़ कर सकते हैं। उसको बैक कर लीजिए और आपको मैं अब दिखाता हूँ कि मैं सेटिंग्स में जो भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है। तो आप सेटिंग्स में चले जाइए। पहले आपको सेटिंग्स में जाने से पहले आपको ये दोनों ही ऐप को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, FRP बाईपास को और Apex लॉन्चर को। ठीक है गाइस, इन दोनों को अनइंस्टॉल कर लेते हैं। अनइंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अब सेटिंग्स में जाना है। देख सकते हैं आप यहाँ पर सामने ही सेटिंग्स है। सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं और अबाउट्स में जाते हैं। अबाउट्स में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ की कॉन्फ़िगरेशन को। तो गाइस आप देख सकते हैं ये हमारा सैमसंग J4+ है और इसका जो मॉडल नंबर है वो है SM J415F। और जो इसका सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन है आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसका जो ओरियो वर्जन है 8.1 है और एंड्रॉयड वर्जन है वो 8.1 है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।